देखो बच्चा लोगों आपको कुछ याद होगा ऐसा पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड रे, कराना चाहता हूं आपको याद होगा साइन टू थीटा साइन टू थीटा होता था हमारा टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा ठीक है कॉस टू थीटा होता था हमारे पास बेटा वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस स्क्वायर थीटा and tan 2 theta equals to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta देखो इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो, तो आप लोगों को clear आपको याद रखनी है कि 2 into tan theta plus 1 plus tan square theta cos 2 theta में फोटो कैसे आ रही है डिवाइडेड बाय 1 plus tan square theta और tan 2 theta में फोटो कैसे आ रही है टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो ओवरऑल आपको फोटो याद होनी चाहिए आपको फोटो पता होनी चाहिए कि फोटो कैसी बन रही है ठीक है तो अब इन्हीं के बिहाफ पे हम कुछ एक प्रॉपर्टी देखते हैं तो सिक्स टाइप थे इसके तीन सब पार्ट है पहला टू टैन इनवर्स एक्स टू टैन इनवर्स एक्स इज टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और कंडीशन होगी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन चाहे ऐसे कहो या ऐसे कहो हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन ये दोनों इक्वेलेंट बात है ठीक है एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन और एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन दोनों इक्वेलेंट है इसका दूसरा सब पार्ट है टू टैन इनवर्स एक्स टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वे ठीक है प्रोवाइडेड दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोवाइडेड दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इसका थर्ड पार्ट है टू टैन इनवर्स एक्स टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वे प्रोवाइडेड दैट जो एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन ठीक है और ये वन माइनस आएगाक्स इनवर्स वन माइनस एक्स स्क् अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन अपॉन माइनस एक्स स्क्वे क्लियर अब आप देखो फोटो ऐसी ही नहीं है 2 tan थीटा मान लो x की जगह tan थीटा लगा है 2 tan थीटा 1 tan² थीटा देखो आप इधर प्रीवियस में ये देखो ये वाली फोटो sin के साथ में ऐसी फोटो आ रही cos के साथ में देखो फोटो ऐसी नहीं है 1 tan² थीटा 1 tan² थीटा लुक एट दिस 1 tan² थीटा तो cos के साथ में ऐसी फोटो आ रही tan इनवर्स के साथ में देखो

tan inverse x in the टू टेन इनवर्स एक्स इन दाइनर्स इनवर्स एंड टैन इन तो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है ठीक है क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? आप कंडीशन चाहो तो याद भी कर सकते हो वरना आपको बोर्ड्स में कंडीशन यही मिलती है जो दे रखी होती है कोई अलग से कंडीशन नहीं मिलती कोई अलग से आपको कंडीशन नहीं मिलती ठीक है एक का प्रूफ कर लेते हैं हम किसी फर्स्ट वाले का किसी का एक का ठीक है तो हम क्या करेंगे हमें दे रख हम क्या करेंगे काम करता है टेन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं ठीक है लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास एक्स इजिक्वल्स टू टेन वाई ठीक है आपके पास यहां से एक्स इजिकल्स टू कितना आ जाएगा बेटा टेन वाई नाउ अब आपको दे के रखा है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अब आप यहां पे x की जगह पुट करो साइन इनवर्स टू टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई और हमने देखा अंदर वाली जो फोटो है अंदर वाली जो फोटो है वो साइन टू वाई के इक्वल है वो किसके इक्वल है साइन टू वाई के अब आपको एक चीज यह हमेशा याद रखनी है कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है एफ और उसके अंदर उसका इनवर्स के साथ एक्स लिखा हुआ है हमेशा तो एक्स बचेगा ठीक है इसे इसे कहते कहते हैं, हैं, ठीक ठीक है? है उसके अंदर उसका inverse है हो, हो, तो तो हमेशा क्या बचेगा? या बाहर एक दूसरे के होने चाहिए, तो ये माना कितना था टेन इनवर्स तो किसके इक्वल होगा टू टेन इनवर्स एक्स टेन इन, है, टू इन क्लियर तो आप देखो आप या आप, या आपकी आर एच एस थी ये आपकी आर एच एस लेके चले थे और ये आपने एल एच एस प्रूव कर दिया तो आपको सुटेबल कंडीशन देखनी पड़ेगी कि हम टू टेन इनवर्स एक्स के हमारी रिक्वायरमेंट क्या है आप बोलोगे सर ये तो तीनों ही है बेटा जैसे हम यहां देखते थे, थे ना कि हम साइन टू थीटा को क्या पुट करें तो हमें देखते थे टेन की फॉर्म में तो ये पुट करेंगे कॉस टू थीटा को अगर हमें टेन की फॉर्म में जैसे आप ये भी पढ़ते आपको ये भी आप रीड आउट करते थे आपको याद होगा कि कॉस टू थीटा इक्वल टू टू तो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तो जब -ब 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 जब हमें कॉस कॉस की टर्म में चाहिए जब जब हमें कॉस टू थीटा कॉस की टर्म में चाहिए होता तो ये रखते थे क्योंकि साइन आ ही नहीं रहा है आपको सेम या कॉस टू थीटा क्या रखोगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा जब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो साइन की फॉर्म में चाहिए जैसे आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल थ्री है आपको शो दैट शो दैट फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस जो एक्स है वो लाइज करेगा माइनस वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू और इसी को वो ऐसे भी लिख सकता है ठीक है Mod एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाय टू सॉरी ऐसे भी लिख सकता है ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं बट आप ये कंडीशन दे रखी है तो आप नॉर्मली solve कर सकते हो ठीक है अब पहली बात तो अंडर जो चीज डिफाइन होगी आप उसमें देखेंगे कि वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये कंडीशन ऑलवेज आपको दे गई ठीक है नहीं भी दे रहा तो आप ये मान के चलना जो भी आपका इनपुट होगा वो वही रख पा रहे होंगे जिससे आउटपुट मिलेगा वो रियल मिलेगा नॉट डिफाइंड मिलेगा नहीं तो कंडीशन नहीं भी दे तो भी आपको वही लेके चलना है आगे बात समझ में सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो स्टार्ट करते हैं देखिए सॉल्यूशन एलएचएस हम एलएचएस आपको दे रखा है साइन इनवर्स साइन इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वे ठीक है साइन इनवर्स तो आपके पास दो चीजें हैं दो चीजें हैं जब भी साइन इनवर्स और अंदर ऐसा हो ना कुछ भी हो तो एक बार सबसे पहला होता है साइन और कॉस से बात करें तो आप क्या करोगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कुछ भी रखो एक्स इजक्वल्स टू साइन थीटा रख लो आपको यहां पे साइन चाहिए ना साइन इनवर्स तो साइन थीटा ही पुट कर लो ठीक है तो एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा तो यहां से एक चीज आ जाएगी थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अब आपने क्या करा एक्स को साइन थीटा तो पुट करा तो आप इधर सब्सिट्यूट करें तो साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है रूट ऑफ़ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अच्छा साइन इनवर्स टू साइन थीटा अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्टा का रूट होता है कॉस थीटा ठीक है थीटा का रूट होता है थीटा तो ये देखिए अंदर वाली फोटो क्या बन रही है तो ये अभी मैंने बताया एक चीज आपको हमेशा याद रखनी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स अगर आपके पास आ जाएगा मतलब लिखा हुआ है और अंदर फंक्शन है वो एक दूसरे के इनवर्स और अंदर एक्स है तो ये डायरेक्टली एक्स के इक्वल होगा अब x अंदर 2x भी हो सकता है बाहर 4x भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन वो अंदर होना चाहिए मतलब अंदर बिल्कुल फंक्शन के तो ये कितना आ आ जाएगा थीटा थीटा तो यहां से बेटा और थीटा हमने क्या माना था इनवर्स ये आ गया आपका आरएचएस ठीक है हमने क्या करा एल एच एस हमें दे रखा था अब हमें रिजल्ट क्या चाहिए साइन इनवर्स की फॉर्म में तो हम एक्स को वही सब्सिट्यूट कर देते साइन थीटा तो हमने एक्स को साइन थीटा पुट किया तो यहां से पहले आप क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिए साइन जो होता है ना साइन एक सिर्फ नोटेशन है कि नो, नोटेशन होता है वो किसी वैल्यू को शो नहीं करेगा अगर आपके सामने खाली साइन लिखा है तो इसका कोई सेंस नहीं है हाँ अगर साइन थीटा लिखा है तो इसका सेंस है तो सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे तो आपने एक्स को माना है साइन थीटा तो पहली बात माना किसको है एक्स तो आपको दे रखा है माना आपको थीटा है कि एक्स थीटा पे डिपेंड हो रहा है तो हमें थीटा को निकाल के रखना है साइन इनवर्स एक्स क्योंकि जो भी हम लेट करेंगे, जो भी भी हम हम लेट कर रहे है, कभी भी कोई हम चीज़ लेट करेंगे करते चाहे वो किसी पे डिपेंड हो चाहे किसी पे इंडिपेंडेंट हो ठीक है तो थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स हमने साइड में निकाल के रख लिया अब हमने मेन में जगह साइन थीटा पुट करा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ठीक है साइन रिमूव uh, तो हो जाएगा डायरेक्टली कितना टू थीटा ये कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन होता है ठीक है ये कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन होता है तो टू थीटा और टू साइन इनवर्स एक्स क्लियर अब इसके अगले पार्ट में कंडीशन ठीक है हम कंडीशन पे बात करेंगे तो आप देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ जैसे आपको लगता जाएगा कि हाँ हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि हमें कॉस इनवर्स x तो टू कॉस थीटा पुट करते तो यहाँ पर क्या हो जाता है टू कॉस थीटा रूट ऑफ वन माइनस कॉसा वन माइनस कॉस्र थीटा कितना हो जाता है साइन थीटा तो अगेन आपको यही फॉर्म मिलती लेकिन आपका इस बार थीटा क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स थीटा क्या होता है बेटा कॉस इनवर्स एक्स तो आपका आंसर टू कॉस इनवर्स एक्स आता ठीक है तो जो रिजल्ट आप हमेशा फोकस करें जो रिजल्ट आप उस पर फोकस करें जैसे क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर थ्री है टू पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर थ्री है कि प्रूव दैट Prove that tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24 is equals to tan inverse half. Prove that tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24. tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 upon 24 is equals to tan inverse half. अब आप इधर ध्यान दो आपको ये वाला फॉर्मूला देखना है देखो इसमें कि फर्स्ट वाला लगेगा आप ध्यान रखे मैंने आपको उस, दिन भी बताया था कि यही दो इंपॉर्टेंट है आपके जो भी क्वेश्चन आता है ना 99.9% 99.9% नाइन इन्हीं दोनों पे होगा ये बहुत ही रेयर केस में मिलेगा ठीक है अब आप देखो x और y का ठीक है बहुत ही रेयर केस में मिलेगा ये ठीक है तो अब हमें क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है पहली बात तो इनका प्रोडक्ट देखो कैसा है प्रोडक्ट देखते हम टू बाय इलेवन इंटू सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर कितना आ रहा है इट इज सेवन अपॉन ट्वेल्व इंटू इलेवन तो लेस देन वन आ रहा है क्या आ रहा है लेस देन वन तो आप देखिए फर्स्ट वाला अप्लाई हो रहा है फर्स्ट वाली कंडीशन आपको दिख गई प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन XY का प्रोडक्ट होना चाहिए से बड़ा तो बट ये, ये लग ही नहीं सकता ठीक है ठीक तो तो है आपको टेन इनवर्स टू अपॉन इलेवन प्लस टेन इनवर्स सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तो ये आपका हो जाता है बेटा टेन इनवर्स x plus y divide upon one minus two by eleven into seven upon twenty four ठीक है tan इनवर्स x plus y upon one minus x y तो ये देखिए आप tan इनवर्स कट मत करें कट इसलिए नहीं करूंगा मैं नीचे से ट्वेल टू को ट्वेंटी फोर से एलसीएम सेम आ जाएगा ठीक है तो मेरा कैंसिल आउट होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये देखिए एलसीएम आएगा यहां इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर हो जाएगा फोर्टी एट प्लस सेवन सेवन डिवाइडेड बाईगा इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर माइनस फोर्टीन और डिवाइडेड बाय इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर यह आउट हो गया आपका बेटा ये हो जाएगा टेन इनवर्स फोर्टी एट प्लस सेवनटी सेवन तो फाइव वन uh,

देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट सब्सिट्यूशन ठीक है इंपॉर्टेंट सब्सिट्यूशन देखो आपके बहुत काम में आएगा जब आप इन, आ, इंटीग्रेशन करोगे वहां भी समटाइम्स डिफ्रेंशिएशन में भी ठीक है तो ये आप ध्यान रखिएगा देखो मैं आपको फील करने वाली बात है फिर मैं आपको कह रहा हूं फील करने वाली चीज होगी जैसे मान लो पहला आपको दे रखा है एक ये फोटो दे रखी है एक्स वन माइनस एक्स स्क् देखो आपको एक फोटो दे रखी है सबसे इजी से और इंपॉर्टेंट सब्सिट्यूशन और उसमें भी मैं बात कर रहा हूं किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक की तो देखो सब्सिट्यूशन से मतलब ये होगा कि आप सब्सिट्यूट करो बट सब्सिट्यूट ऐसा करो कि जो हमारे पास फॉर्म है ना वो सिंपल बन जाए देखो अब जैसे अंडर रूट में आ रहा है तो अब आपको बात किससे करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इससे बातें करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कि हम एक्स की जगह ऐसा क्या पुट करें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाए और कॉस थीटा में से कुछ पुट कर दू तो देखो ये क्या बन जाएगा अंडरवुड वन माइनस साइन स्क्टा और अंडरवुड वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके हो जाएगा ठीक है जैसे किसी ने साइन करा तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा मॉडुलस ओके तो देखिए सिंपल हो गया चीजें सिंपल हो गई आपके पास चीजें सिंपल हो गई ठीक है अब आप थीटा को चेंज कर सकते हो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स वो डिपेंड करेगा ठीक है मान लो आपके पास ये फोटो आ जाए देखो आपको अभी समझ में आने लगेंगी चीजें ये आ गया a माइनस ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए माइनस एक्स स्क्वायर हम्म ऐसा कुछ आ गया ठीक है एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया कि हाँ ठीक है कि अब एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या उसके पुट करने से यहां पर आ गया ये आ गया सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स ये करेक्ट है ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो अब हमारा एक्स की जगह देखो अब आपको फील करना पड़ेगा कि मैं क्या कॉमन लू तो पहले तो ए रिमूव होना चाहिए तो ए स्क्वायर है तो यहां भी कहीं से ए स्क्वायर आ जाए तो कॉमन लेके रूट के, के बाहर ए आ जाएगा ठीक है हम पॉजिटिव मान के चलो ए क्या है आपका पॉजिटिव ही है तो पुट इक्वल्स टू थीटा और ए कॉस थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीजें सिंपलेस्ट हो जानी चाहिए तो मान लो किसी ने ए कॉस थीटा पुट करा तो ये फोटो कैसी बन जाएगी ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो ये देखो A भार, का रूट ए पॉजिटिव है अंडर रूट में क्या रह जाएगा वन माइनस अब ये आपका सिंपल हो गया ए देखो ये है इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन आपको फील करने वाले ऐसा आप बहुत बना सकते हो लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है आपको पुरानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रटी पड़ी है तो आप सब कुछ कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब मान लो आपको फोटो ये दे रखी होती रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अब इसकी की मैं बात करता हूं तो आप ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सोचो जिसमें सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर माइनस वन मिल रहा हो आपको ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सोचनी है जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर माइनस वन मिल रहा हो तो आप देख सकते हो सेक स्क्र थीटा माइनस वन और कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी कुक्वायर थीटा माइनस वन तो आपका माइंड क्या करेगा कहेगा कि पुट होगा कोजेक कोज़ेक थीटा और सेक थीटा क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा तो अब आप यहां देख लो क्या हो जाएगा ये कि जैसे मान लो किसी ने सेक थीटा पुट किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये हो जाएगा रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा और इट इज मॉट थीटा ये सब कुछ इजी चीजें अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है बहुत आसान चीजें हैं मान लो अब ये फोटो ऐसी आ जाती ठीक है मैं मिक्सअप देता हूं अगर आपको आइडिया लग गया होगा तो मान लो आपके पास ये आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब आप इसका सोचो और कमेंट योर आंसर चलिए कोई ना यहां ध्यान दे अब आप देखो आप इस फोटो पे बात करो ठीक है अब वन की जगह कुछ भी हो वन की जगह एक्स ए स्क्वायर हो वे स्क्वायर कुछ भी हम बात की बात करेंगे ठीक है तो मान लो आपके पास ये होता क्या करते आप ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि उसमें वन प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर मिले तो आपको याद है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस थीटा तो एक्स की जगह क्या पुट हुआ होगा टेन थीटा अब यहाँ पे वन का वन की जगह ए का स्क्वायर है तो आप देखो यहां पर आप पुट क्या कर सकते हो पुट x इक्वल्स टू ए टेन थीटा और a cot थीटा मैं आपको कह रहा हूं आपको चीजें क्लियर होनी ही चाहिए होनी ही चाहिए तो ये देखिए अगर आप कोई a cot थीटा पुट करेगा तो a स्क्वायर कॉमन लेगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कोजेक स्क्वायर थीटा तो ए तो पॉजिटिव मान के चलते हैं तो ये आ जाएगा मोड ऑफ कोजेक थीटा फिर मान लो मान लो कहानी आ जाए कि सर ऐसा हो जाए तो कि रूट ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स आ जाए मान लो ऐसा आ गया क्या करेंगे हम <laughs> तो इसके लिए भी है आप एक काम करिए आप x को पुट करिए cos थीटा खाली cos थीटा ठीक है आप x को पुट करिए cos थीटा साइन थीटा भी कर सकते हैं cos थीटा बेटर है ठीक है साइन थीटा भी कर सकते हैं तो आपने पुट करा वन माइनस थीटा अब आप cos 2 थीटा की वो आइडेंटिटी देखिए कि जिससे मैं वन को रिमूव कर ठीक है अब आपको cos 2 थीटा तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन तो अगर आप यहां टू थीटा ले रहे हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा थीटा तो so, अगर यहां थीटा लूंगा तो कितना आ जाएगा? Theta by two. So, आप मैं यहां कितना टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा ओके आप देखिए यहां से मैं निकाल सकता हूं कॉस टू थीटा सॉरी कॉस टू थीटा है ना कॉस टू थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा तो आप देखिए वन माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा आंसर है थीटा थीटा क्योंकि पे तो आपने थीटा कोई दिक्कत नहीं है अगर आप किसी को दिक्कत है ना तो आप थीटा भी ले सकते हो क्योंकि जब थीटा मान ही रहे हो तो थीटा मान लो हमारा क्या जाएगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमें तो अगर हम कॉस थीटा मान रहे हो तो हम कॉस टू थीटा भी मान सकते हैं जो भी आएगा उसमें टू और मल्टीप्लाई हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो ये तो हो गया बेटा रूट टू और साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो मॉड साइन थीटा बाई टू दैट्स इट तो बेटा ऐसे मैं आपको बहुत सारे लिखवा सकता हूं ऐसे आपको बहुत सारे लिखवा सकता हूं बट मेरा यह मानना है कि आपको खुद को फील करना आना चाहिए आपको खुद को फील करना आना चाहिए सब्सिट्यूशन क्योंकि आप अगर आप अपने कंटेंट को जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी लर्न करने में उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी लर्न करने में तो अगर आप किसी चीज को समझ सकते हो और खुद ही क्रिएट कर सकते हो सेल्फ क्रिएट कर सकते हो तो इट इज बेटर ठीक है वो बेटर होगा लर्न करने से अगर आप उस चीज को क्रिएट ही कर पा रहे हो अब जैसे मैंने इस चीजों को लर्न नहीं कर रखा है मैं क्रिएट करता हूं कि हाँ कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसमें ऐसा बन रहा होगा ठीक है अब मान लो कोई बच्चा कहता है सर यही है आपके पास यही दे रखा है और अब आप बोलते कि सर आप इसमें मान लो साइन थीटा पुट करते देखो ये काफी काम में आएगा ठीक है मैं आपको बता रहा हूं है ना अगर आपने बोला कि सर आपको पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा तो मैं कह रहा हूं कर लो आप कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा आपका तो आपने ये करा वन माइनस साइन थीटा टू थीटा भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं अब आपको ये बात आनी चाहिए कि पहले वन को हम लिखे क्या तो पहले तो आप साइन थीटा को लिखते हैं बाद में हम वन को लिखेंगे तो साइन को मैं लिख सकता हूं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू देखो ये आपने सबने पढ़ रखा है इलेवेंथ क्लास में साइन टू थीटा कितना होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा तो अगर मैं यहाँ थीटा ले लूंगा तो यहाँ आधा हाफ हाफ हो जाएगा थीटा थी थीटा बाई टू तो ये हो गया अब देखिए ये क्या बन रहा है टू ए बी टू ए बी तो ऐसी कोई बचपन वाली आइडेंटिटी जिसमें माइनस टू ए भी आता है तो हमें सब पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर हमें पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर में माइनस टू ए भी आता है लेकिन साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉ स्क्वायर थीटा बाई टू उसका सम वन होगा ना ये तो सबसे बेसिक आइडेंटिटी है तो वन को मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू तो अब ये फोटो आपके सामने क्या बन गई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो आप इसे लिख ले साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू होल स्क्वायर तो यह कितना था मॉड ऑफ साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू मोड आता है क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव होता है तो अगर वन प्लस एक्स होता तो भी कर सकते थे ये यहां पर यहां सॉरी माइनस आएगा तो यहां पर उस केस में क्या आ जाता प्लस आ जाता उस केस में क्या आ जाता प्लस आ जाता ठीक है फिर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लर्न कर सकते हो मैंने आपको रिवाइज कराई है इलेवेंथ क्लास की सारी यूज आएंगी ये हमारे पास बेटा सारी की सारी यूज आएंगी ठीक है साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटावल टू टू थीटा थीटाइन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर आप इसको टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी लिख सकते हो फिर आप इसको वन माइनस टू साइन थीटा भी लिख सकते हो और आप इसको टेन की टर्म में वन माइनस थ्री कॉस थीटा टेन थीटा को आप इस अकॉर्डिंग वन माइनस थ्री टेन स्क्टा डिनोमिनेटर में तो आपको सारा फंडे क्लियर होने चाहिए आपको सारे फंडे क्लियर होने चाहिए